उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार से डाम कोठी राज्य अतिथि गृह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पत्रकार से वार्ता के दौरान यशपाल आर्य ने बताया कि एक निजी शिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के लिए वे हरिद्वार पहुंचे हैं। साथ ही भाजपा के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत व मुलाकात भी करने के लिए वे हरिद्वार पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा वार्षिक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 660 करोड़ रुपए है, जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बढ़ोतरी भी की है और लक्ष्य निर्धारित किया है। कहा कि हम इस लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार में आने का मुझसे वो कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निःशुल्क से कार्यक्रम है हमारे कॉलेज का, उसमें मुझे सम्मिलित होना है और यहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी संवाद, बातचीत और मुलाकात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज आपका जो हमारा वार्षिक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है 660 करोड़ रुपया है। पिछले गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में बढ़ोतरी हमने की है, लक्ष्य निर्धारित किया है और मुझे यकीन है, विश्वास है कि यह लक्ष्य 660 करोड़ से भी, उस लक्ष्य को भी हम से भी पार हम जाएंगे।